हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रथक क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का टॉपिक त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1। हम यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं, तो चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, वो हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर जो दिया गया है वो हम लिखेंगे। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। एक बार देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है। एक तो हमें दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर, उसके बाद में कोण क्यू है वो समकोण दिया गया है, ये दूसरा पॉइंट। उसके बाद में पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो तीसरा पॉइंट हमें जो दिया गया है वो हो गया पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और आगे दिया गया पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये चार पॉइंट हो गए। अब हमें ज्ञात क्या करना है, साइन पी ज्ञात करना है, कोस पी ज्ञात करना है और टेन पी ज्ञात करना है। तो चलिए जो हमें दिया गया है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले तो त्रिभुज पी क्यू आर, ये त्रिभुज पी क्यू आर, ये पहला पॉइंट, ठीक है। और हमें आगे क्या दिया गया है कि कोण क्यों है वो समकोण है, ये कोण क्यों है वो समकोण है। और हमें यहाँ पे कोण है वो कौन सा दिया गया है, पी दिया गया है। यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है और यहाँ पे भी पी है। एक हमें आगे इक्वेशन दी गई है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और जो पी क्यू है वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू ये तो हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पी आर, जैसे कि मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर को है वो मैंने क्यू आर का मैंने यहाँ पे पक्षांतरण कर दिया, तो पी आर की वैल्यू ऐसे में लिख सकता हूँ 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण है वो है यहाँ पे पी आर, तो पी आर का होल स्क्वायर बराबर आधार क्यू आर को मान ले तो क्यू आर, प्लस लंब है वो है पी क्यू, तो पी आर की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे प्राप्त की 25 माइनस क्यू आर, तो ये 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है प्लस पी की वैल्यू 5 का स्क्वायर। अब देखिए मैं इसको सोल्व करूंगा सर्वसमिका a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो सर्वसमिका मैं यहाँ पे लिखता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपको याद करनी होगी। तो a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a की वैल्यू 25 है और b की वैल्यू क्यू आर है बराबर क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर ही होगा, क्यू आर का स्क्वायर ही प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यह होगा 625 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 25 और 2 को गुणा करने पर 50 क्यू आर बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए जब मैं क्यू आर का पक्षांतरण करूंगा तो ये माइनस का साइन लेगा उधर जाते ही, तो ये वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। अब हमारे पास इक्वेशन है 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। अब मैं 25 का पक्षांतर करूँगा इस तरफ, तो 625 माइनस 25 बराबर 50 का पक्षांतर उस तरफ कर दूंगा तो ये हो जाएगा प्लस क्यू आर प्लस 50 क्यू आर। 625 में से 25 घटाने पर 600 बराबर 50 क्यू आर। और अब हम आगे जानते हैं कि गुणांक का बराबर वाली संख्या में भाग दिया जाता है, तो 50 का भाग दूंगा मैं तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी क्यू आर बराबर 600 बटे 50, ये कैंसिल आउट हो गया तो क्यू आर की वैल्यू ऐसे आई 12।
अब हमारे पास QR की वैल्यू 12 है, प्राप्त हो चुकी है। तो मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा या इसमें रख दूंगा, तो PR बराबर 25 माइनस QR की वैल्यू 12 है। 25 में से हम 12 घटा लेंगे तो ये हो गया 13। तो हमारे पास अब PR की वैल्यू है, QR की वैल्यू और PQ की हमें दी गई है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा PR की वैल्यू, PR की वैल्यू आई 13 और QR की वैल्यू आई 12। अब जो हमें दिया गया है, सॉरी जो हमें पूछा गया है, हम उसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। हमें ज्ञात करना है साइन पी, और इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया, एक इजी सी ट्रिक, लाल बटे कक्का। तो साइन के लिए होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और कोण हमें यहाँ पे दिया गया है पी, ठीक है। तो पी के सामने की भुजा है वो लंब हो जाएगी, तो लंब हो गई क्यू आर, और कर्ण है वो होगी पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू है वो तो है यहाँ से 12 है, और पी आर की वैल्यू वो है 13। तो साइन पी का हमने मान प्राप्त किया 12 है बटे 13। अब हमारे पास है कोस पी, कोस पी के लिए आधार बटे कर्ण। तो आधार पी के लिए ये तो हो गया लंब, तो आधार होगा पी क्यू, आधार बटे कर्ण, और आधार होगा पी क्यू, कर्ण है पी आर, और पी क्यू की वैल्यू यहाँ से 5, पी आर की वैल्यू 13। तो ये साइन पी और कोस पी का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। अब टेन पी, टेन पी बराबर, देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो कोण पी के सामने की भुजा लंब क्यू आर है, और आधार है वो है पी क्यू, तो क्यू आर की वैल्यू 12 और पी के की वैल्यू 5। तो टेन पी की वैल्यू आई 12/5। तो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है वो हमें दिया है, बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है। तो देखिए यहाँ पे पार्ट एक है, इसका पहला क्वेश्चन है वो दिया गया हमें, टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है। अब ये गलत है कि सही है वो हमें पता लगाना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बनाता हूँ, एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, और मैंने ये मान ली भुजा 12 और ये 5, ठीक है। अब टेन के लिए ये मैंने एक कोण मान लिया पी, ठीक। तो टेन पी के लिए लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, तो टेन पी की वैल्यू है वो यहाँ से आ गई, लंब है वो होगा क्यू आर, ठीक है, और आधार है वो है पी क्यू, और ये भुजा तो करण हो गई क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने की भुजा है। तो क्यू आर की वैल्यू है वो तो 5/12, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ पॉइंट में जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक से कम, लेकिन यदि मैं ये कोण पी न लेके ये कोण आर लूँ, ठीक है, तब क्या हो गया, इस कोण के सामने की भुजा होगी लंब, तो अब लंब हो गई पी क्यू, सो यहाँ पे है कोण अब आर है, यहाँ पे टेन आर, तो लंब हो गई पी क्यू और आधार हो गई क्यू आर, तो ये 12/5। जब 5 का भाग है वो 12 में देंगे हम, तो ये 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये 1 से ज़्यादा हो गया। तो ये बात सही है क्या कि सदैव 1 से कम ही होता है टेन का मान, तो टेन का मान हमें तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा भी प्राप्त हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये गलत है, ये असत्य कथन है, असत्य कथन। तो ये 1 को हमने डिराइव कर लिया है यहाँ पे। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है कोण ए के किस मान के लिए शेक ए, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, शेक ए बराबर 12/5 होगा। तो यहाँ पे यदि मैं लिखूं शेक ए बराबर 12/5, मैंने आपको सूत्र बताया हुआ लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो कोश के लिए होता है आधार बटे कर्ण, तो शेक के लिए हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार,
जब मैं एक त्रिभुज बनाऊं ए बी सी, कोण बी है वो मैंने समकोण दे दिया, अब कर्ण है वो यहाँ से आ रही है 12 और आधार है ए दिया हुआ है तो ये तो होगा लंब और आधार है वो है 5, तो थीटा कोण ए के किस मान के लिए सही के बराबर 12/5 पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, कर्ण स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस लंब मतलब बी सी का होल स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 और 25 का पक्षांतरण करूंगा मैं तो ये -25 बराबर बी सी का स्क्वायर, तो 144 में से हम 25 घटाएंगे तो ये आएगा 119 बराबर बी सी का स्क्वायर, और जब 119 का रूट करेंगे तो ये कर्ण से छोटा आएगा, तो थीटा के इस मान के लिए हम कह सकते हैं कि कर्ण ये एक थीटा के मान के लिए सही के बराबर 12/5 है वो सही इसे परिभाषित करता है, क्यों, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है, तो हम लिखेंगे ये कथन सत्य है। अब बारी है इसके पार्ट थर्ड की, और पार्ट थर्ड है वो हमें स्टूडेंट्स क्या दिया गया है यहाँ पे, पार्ट थर्ड है कोस ए, कोस ए के कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप है, तो मैं आपको बता दूं कि कोस ए के लिए संक्षिप्त रूप है वो है कोसाइन, कोसाइन ठीक है, और कोस ए के लिए कोसेंट होता है, तो क्या है सही है कि कोस के लिए ए कोसेंट होगा, नहीं कि कोस के लिए क्या होता है कोसाइन होता है, तो ये कथन है वो असत्य कथन है। अब हम देखते हैं पार्ट फोर, पार्ट फोर में हमें दिए गए है कोट ए, कोट और ए का गुणनफल है, कोट ए है वो एक त्रिकोणमिति अनुपात है, कोट ए है वो एक त्रिकोणमिति अनुपात है, क्योंकि हम इसको ए को एक कोण के रूप में दे सकते हैं तो ये कोट थीटा होगा, लेकिन ये कोट ए, कोट और ए का गुणनफल नहीं है, कि ये दो चीजों से मिलकर नहीं बना है, तो ये कथन भी असत्य है। आगे है पार्ट फाइव, किसी भी थीटा कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो पांचवे पार्ट के लिए सूत्र लाल बटे कक्का, और साइन थीटा में दिया गया है 4/3, तो ये तो हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, तो लंब की वैल्यू 4 और कर्ण की वैल्यू 3। मैंने आपको बताया अभी अभी कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा है वो सबसे बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए लंब तो है 4 सेंटीमीटर और कर्ण है वो 3, तो कर्ण है वो लंब से छोटा नहीं होगा, तो ये कथन भी असत्य होगा, कथन असत्य है। ये इजी सा क्वेश्चन था, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ है एक्सरसाइज 8.1 है वो कंप्लीट हुई, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, थैंक यू।